इस एपिसोड में हम जो कंटेंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ईपीएफ रजिस्ट्रेशन सेकंड ईपीएफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर विल कवर स्टेप बाय स्टेप व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पीएफ रजिस्ट्रेशन ईपीएफ रिलेटेड पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कौन से इंडस्ट्री में ई एक्ट लागू होगा ऑफ एक्ट के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज इंक्लूड हैं वो सारे इंडस्ट्री ई पी एफ रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज जिनमें 20 से कम लोग होने पर भी पी एफ लागू होगा जैसे कि सिक इंडस्ट्रीज डिक्लेर्ड बाई ने डिटेल्स जानने के लिए आई बटन में क्लिक करें ई पी एफ रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए एम्प्लॉयर ई पी एफ रजिस्ट्रेशन के लिए वो है फर्स्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी सेकेंड हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस डिटेल्स थर्ड डेट ऑफ इनकॉपरेशन टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ उसके बाद बिजनेस एक्टिविटीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन और सर्विस एक्सेट्रा नेक्स्ट लीगल डिटेल्स देन प्रोप्राइटर्स पार्टनर्स या डिरेक्टर्स की डिटेल्स नेक्स्ट एक महीने में कितना सैलरी पे किया जा रहा है नेक्स्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स देन बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय जैसे कि नेम डेट ऑफ जॉइनिंग सैलरी एक्सेट्रा नेक्स्ट पैन डिटेल्स अब हम डिस्कस करेंगे ईपीएफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे काम करती है टोटल सेवेंथ स्टेप में एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा जिसे हम स्टेप बाय स्टेप अभी डिस्कस करेंगे फर्स्ट हमें लॉगिन करना होगा ईपीएफओ पोर्टल रजिस्ट्रेशन करने के बाद एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन ओपन होगा यहाँ पर आपको जो भी मैनुअल इंस्ट्रक्शन है उसे गो थ्रू करना है देन आपको डीएससी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो एम्प्लॉय ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो लॉग इन कर सकते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एंड पासवर्ड से ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल में प्रोसेस एक्सप्लेन है

अगर नेम में कहीं पे मिस्टेक है तो ऑनलाइन वेरीफाई होने के टाइम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देंगे एम्प्लॉयर के पैन नंबर जब एंटर होगा एक मैसेज जनरेट होगा एम्प्लॉयर इज नॉट रजिस्टर्ड प्रीवियसली पैन डिटेल से नेम वेरीफाई होता है देन यूजर नेम आप अपने पसंद से यूजर नेम सिलेक्ट कर सकते हैं बट सिस्टम ऑटोमेटिकली शो करेगा सेम यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं हिंट क्वेश्चन एंड आंसर में जो भी इंफॉर्मेशन और कैप्चा कोड है उसे फिल करना होगा मोबाइल नंबर में ओ आएगा जो आपने रजिस्टर के टाइम में दिए होंगे आपको क्लिक करना होगा आई एग्री टू एव डिक्लेशन लास्ट पॉइंट है एक्टिवेट ई लिंक रजिस्टर के टाइम में जो ई मेल आप दिए होंगे उसमें एक ई लिंक आएगा उस लिंक में क्लिक करके एक्टिवेट करना पड़ेगा अब आप ई पोर्टल में स्टेप वाइज रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे वो देख सकते हैं आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा वो रेड बॉक्स में हाईलाइटेड है तो उम्मीद करती हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरीज प्लीज सेंड एन ई मेल टू लर्निंग क्विक ऑन जी मेल डॉट कॉम प्लीज डोंट फॉर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल क्विक लर्निंग थैंक यू फॉर द सपोर्ट